आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आपके लिए लेकर के आया हूँ। हम आज इस्तांबुल इंफॉर्मेशन के साथ एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आपका हमारे इस एग्रीमेंट में क्या फायदा है। मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान बैठे हुए हैं, मोहम्मद अजहर साहब हैं इस्तांबुल इंफॉर्मेशन से, और इस्तांबुल इंफॉर्मेशन के सीईओ और बेशतर पाकिस्तानियों को हेल्प करने वाले मलिक सज्जाद साहब को कौन नहीं जानता। तो नाज़रीन, आज हमारे लिए एक अच्छा दिन है। हम वायदा कर रहे हैं और इन स्कीम के साथ हम क्या क्या बिजनेस करेंगे और क्या क्या हम इनके साथ काम करेंगे वो आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं अख्तर जाफरी साहब, तो ये जो है स्टार इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं और ये तुर्की में आए हुए हैं स्पेशल हमसे वायदा करने के लिए। तो हम आपसे इनसे इनके बारे में पूछेंगे, इनकी कंपनी के बारे में और इनके इंस्टीट्यूट के बारे में, ये पाकिस्तान में क्या करते हैं, और हम इनसे वायदा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान से जितने स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर भेजेंगे हमारे पास और हम उनके जो यहाँ तुर्की में काम है वो करेंगे। तो आज हम दो कंपनियों को आपस में मिला रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की में हमारे जो काम पाकिस्तान में है वो अख्तर साहब की कंपनी करेगी और यहाँ जो भी काम है वो हम इस्तांबुल इंफॉर्मेशन से हम तुर्की में करेंगे। और मायदा मेरे साहब ने लिखा है सारा, तो वो हमसे सवाल करेंगे और हम आपको जवाब देंगे और हम आपके लिए तुर्की में क्या कर सकते हैं और पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं। जी साहब, मैं अख्तर जाफरी साहब से पहले क्वेश्चन करूंगा कि इनसे पूछना चाह रहा हूं कि आप मलिक सज्जाद साहब इस्तांबुल इंफॉर्मेशन वाले हैं, इनको किन बेसिस पे जानते हैं और इनसे जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। अजय साहब, आपका ये सवाल बड़ा जेन्युइन है और मेरे ख्याल के मुताबिक इसका जवाब देना और आप लोगों का इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज यूट्यूब पर इधर उधर वॉचिंग करते हुए चीजों को हम देखते रहते हैं। एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें एक पाकिस्तानी कई हजार मील दूर जाता है अपने घर से, दो बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को पुलिस से छुड़वा कर वापस आए। मैंने सोचा कि यार मैं भी इस्तांबुल बहुत आता जाता रहता हूँ, देखूं जानूं ये साहब कौन है। जब मैंने रिसर्च की, आके देखा, तो वो बंदा मलिक सज्जाद। मलिक सज्जाद साहब ने हमारे पाकिस्तानी भाइयों की मदद की और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे के एवज नहीं की, अल्लाह के खौफ की वजह से। अब ऐसे बंदे को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मजीद इंक्वायर किया कि क्या काम करते हैं, कैसे मदद कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ इनके ऑफिस में आकर इनका सेटअप बहुत बेहतरीन लगा। एक तो यह है कि पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं, तुर्किश लोग काम कर रहे हैं और बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में काम कर रहे हैं। यानी चीज हर चीज के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है जो अपनी हर एक चीज को इवेल्युएट करता है, क्वांटिटाइज करता है और उसके बाद अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो इनका काम सिस्टमेटिक है, स्पीडी है और सिर्फ दुरुस्त काम कर रहे हैं, यानी लोगों को सही माने में हेल्प कर रहे हैं। सो आई थॉट कि इनके साथ मिला जाए और हम भी इनके बाजू बने ताकि इस मुल्क में और दीगर दरूने मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों को हम हेल्प कर सकें कि वो कैसे लीगल बेस के जरिए अपने वतन वापस आ सकते हैं या बाकी मुल्कों में सेटल हो सकते हैं। सही। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप जब इनका ऑफिस विजिट किया, आपका अपना भी ऑफिस है पाकिस्तान के अंदर, अपना सब्सिडी दे रहे हैं, तो कौन सी ऐसी, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, कौन सी ऐसी और सब्सिडी है जो आप इनसे लेना चाह रहे हैं, कौन से ऐसे जो एक्टिविटीज है जो आप ज्वाइंट वेंचर के ऊपर आप करें? जी, मैं यहाँ पर ये जरूर बताना चाहूँगा कि इनका काम बहुत डाइवर्सिफाइड है। यानी मैंने आकर के देखा कि नंबर वन, ये डीआरसी का काम कर और डीआरसी के काम में लोग बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैसे ले रहे हैं, बट आई हैव सीन दैट दे आर गेटिंग मिनिमम फॉर देमसेल्व्स। यानी अगर एक पूरा प्रोसेस करते हैं, एक बंदा लगता है और अगर वो अपने 150 लीरे ले लेते हैं, बाकी तमाम सरकारी फीसें शामिल करके चीजों को एक इकोनॉमिक पैकेज दे रहे हैं लोगों को और लोगों को बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। और मैंने आकर के देखा कितने ज्यादा केसेस, आपका अप्रूवल रेट बहुत अच्छा है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, ये चीज बड़ी एक मैटर करती है कि यहाँ पर लोग अरे का केस पकड़ लेते, उसको लटका छोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सो ये बहुत बहुत जबरदस्त चीज थी। टीआरसी सर्विसेज, कंपनी एस्टैब्लिशमेंट, नई कंपनी आप तुर्की में एस्टैब्लिश करना चाहें, आपकी कंपनी हेल्प कर रही है। इसके अलावा वीजा फाइलिंग सर्विसेज,
जो लोग यहाँ आ चुके हैं बाकी मुल्कों में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से जो आपका ट्रेवल का काम है, टूरिज्म का काम है, यानी जो लोग टिकट बाय करना चाहते हैं, तुर्की का वीजा लगवाना चाहते हैं, या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, खास तौर पर मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के वीजे का काम जो आप कर रहे हैं, तो इसमें हम और आप मिलकर के एक बेहतरीन ब्रिज बन सकते हैं। क्योंकि मेरा काम इससे पहले आप सब लोग जानते हैं एजुकेशन का, तो मैं तो स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेज ही रहा हूँ, वेरियस जगह पर जा रहे हैं, यूरोप में भी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर आपके साथ मिलकर काम करने में हमें ये फायदा है कि जो लोग स्टूडेंट नहीं है और वो पाकिस्तान से बाहर कमाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है कि जबरदस्त प्लेटफॉर्म साबित होगा। सो इसके अलावा आपकी जो सर्विस है उनमें यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए नोटर की रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट पाकिस्तानियों को दिलवाना, काफी सारे मसाइल हैं यहाँ पर लोगों के। तो मैं एक साल से पहले, कोविड से पहले, जो मार्च 2020 से पहले, तो कभी वीडियोस बनाने की फुर्सत नहीं हो करती थी, यार एक अजीब काम लगे तो करता था। तो जब मैंने सर देखा कि काफी सारे यूट्यूबर पता ही नहीं कानून का कायदे का, और यूट्यूबर वीडियो डालते हैं, मदन के पास आते हैं, उनको ये नहीं कुछ जान बुझ करते हैं, तो अगर एक बंदे को कुछ पता ना होगा तो वो कुछ मिस का ही करेगा। एक दफा प्रोसेस, उसने अपना प्रोसेस कर लिया और उस प्रोसेस से नेक्स्ट स्टेप किसी का प्रोसेस करके शायद रूल रेगुलेशन जो चेंज हो गई हो, तो वो अपने प्रोसेस करेगा, उसकी वजह से बंदे का काम गलत हो जाएगा। तो जब गलत होगा उसको सुधारना, सुधारने के लिए कोई धारा होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए, तो जो तुर्किश लैंग्वेज को समझे और उसका काम आसानी से हो जाए। मलिक सर, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि एक बार हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप कितने अरसे से तुर्की में हैं, आप कानून को कितना अच्छा समझते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है। मैं जनाब तुर्की में 23 साल से हूँ और मैं कानूनी कारोबार में, अदालत में और पुलिस स्टेशन में मैं काफी ट्रांसलेशन कर चुका हूँ, और उसके अलावा काफी जो है वो गवर्नमेंट के इदारों में ट्रांसलेशन करता हूँ। तो मुझे कॉल की जाती थी पहले, अभी मैं बहुत कम जाता हूँ क्योंकि पाकिस्तानी ट्रांसलेट काफी यहाँ पर हो गया, लेकिन आज से 20 साल पहले तो उर्दू में ट्रांसलेटर मिलना बहुत मुश्किल था, और उस वहाँ से मैंने फिर अपना काम शुरू किया और लोगों की हेल्प भी करता हूँ, और किसी मामला में करनी हो तो उसके बाद जो है अपने काम में जो है ना जो रीजनल काम करता हूँ उनसे पैसे बिकवाता हूँ। लेकिन जो है कि 10 कामों में से एक काम जो है ना, जिस बंदा मजबूर है, एक बंदा इलीगल तुर्की में आया है, उसके पास कुछ सोर्स नहीं है, घर की कोशिश करता हूँ मैं किसी भी तरह हेल्प कर दूँ। अभी 9 काम में से पैसे कमाना तो एक प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप कहेंगे 2 या 10 काम जो सभी में से पैसे ना कमाऊँ तो ये मुश्किल मेरे इंसान हमारी भी है। तो कई बंदे फिर आते हैं कि चलो फ्री काम होता है वहाँ चले, तो सरकारी किसी साहब ने कर नहीं करनी सब लोगों ने। आपसे मलसा में एक क्वेश्चन है कि स्टार इंस्टीट्यूट को आपने जाना, आपने इनसे बात की, मीटिंग्स हुई आपकी इनके साथ, इनके बाकी जो कैंपस हैं उनके बारे में आपने स्टडी किया है, तो इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप इनको अख्तर जाफरी साहब से, आप मैं अख्तर जाफरी साहब जो ना मेरी जरूरत भी थी, लेकिन मैं काफी अरसे से इस तलाश में था कि पाकिस्तान में कोई अच्छा इदारा मुझे मिल जाए। पाकिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तान में इस सिस्टम में एक अजीब सिस्टम है, मेरा मुल्क है, मैं कभी तुर्किश के लोगों के सामने बुराई नहीं करता, लेकिन आपस में बैठ कर थोड़ी बहुत डिबेट करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, जिससे तस्खीर हो जाए कुछ लोगों की। तो मैं बड़ा परेशान था क्योंकि पाकिस्तान में अच्छा इदारा मिलना, अच्छे लोग मिलना, यानी कि इस टाइप के काम यानी नहीं, अच्छे लोग हैं काफी, सभी अच्छे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारा हमारी जान पाकिस्तान में है। मकसद यानी कि ये जो लोगों को बाहर भेजना, यंग का टिकट करवाना का मसला, या स्टडी वीजा बाहर भेजना, ऐसे लोग इस शोबे में बड़े कम अच्छे लोग मिलते हैं। तो मैंने स्टार इंस्टीट्यूट को बड़े अच्छे तरीके से स्टडी किया है, बारे में मालूम ली सारी, पाकिस्तान लाहौर में गुजरांवाला बंदों से कॉल पे रब्ते किए, पूछा के बारे में, तो वो कहते हैं हम इनको जानते हैं, अच्छे बंदे हैं, काफी सारे 20-25 साल जो डॉक्टर्स हैं वो इन्होंने अब्रॉड पढ़ाई के लिए भेजे और वो डॉक्टरी करके तो पाकिस्तान में दोबारा वापस आए, बिल्कुल मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है सर। तो उसके बाद जो और शोभा जात में जो पढ़ाई करते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो उनकी काफी सारी अपने ऑफिस में हेल्प करते हैं और बंदों को भेजते हैं और बंदे पढ़कर वापस पाकिस्तान जाकर लोगों की हिम्मत करते हैं। तो मुझे भी इस चीज़ की जरूरत थी कि मुझे काफी सारे लोग जो मेरे कमेंट्स यूट्यूब में आते हैं कि पाकिस्तान में आपको इदारा बनाने बताएं जहाँ पर आप जाके हम तो जो है इसको हम उनसे मालूम ले सकें और उनका अपना उनसे अपना काम करवा सकते हैं, या हमें स्टडी करनी है, या हमने विजिट के लिए जाना है, या किसी और काम के लिए जाना है, तो मैं फिर उसको ना करता क्योंकि पाकिस्तान में किसी के नंबर देना जिम्मेदारी मेरी बन जाती है, इसलिए मैं अवॉइड करता था। तो इसके बाद जो है हमारे पाकिस्तान में जो हमें पूरी तरह से सपोर्ट जो करेंगे स्टार इंस्टीट्यूट अख्तर साहब,
तो आज के बाद हम अपने जो व्यूअर्स के उनको पाकिस्तान इनके तरफ भेजेंगे और ये इनका सारा काम इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से करेंगे जो लीगल काम हो सका। तो कुछ बंदे उम्मीद ये लेकर चले जाते हैं कि हमारा जिस तरह भी काम होगा ये कर देगी। हम और स्टार इंस्टीट्यूट जो है वही काम करते हैं जिनकी गवर्नमेंट जो है परमिशन देती है और ओरिजिनल और जेन्युइन होते हैं। तो हमारे पास कभी भी लीगल काम के लिए ना आए और नाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो काम हो सकता हो हम इंशाअल्लाह जरूर करेंगे आपका। और पाकिस्तान में स्टार इंस्टीट्यूट 20 से ज्यादा इनके जो है इंस्टीट्यूट है वहां पर और ऑफिस है जहां पर पूरी टीम है बहुत बड़ी, हमसे भी बड़ी टीम है बल्कि हमारे तीन ऑफिस है, हमारे पास तो 17-18 लोग काम करते हैं। लेकिन मैं सर आपके इस्तांबुल में बात है कि इस्तांबुल में हो या पाकिस्तान में हो, एक जो है ग्रुप काम करना या टीम वर्क जो है बड़ा जबरदस्त होता है। जैसे हमारे ऑफिस में इन्होंने देखा कि आर जो है वो बात में कुछ कमी बेशी ना रह जाए, बड़े एहतियात से काम करते हैं तो हर नया चीज सीखने के लिए आता है। आपकी कितने ऑफिस हैं यहाँ पे? हमारे तीन ऑफिस हैं यहाँ पर और बाकी ऑफिस जो मैं आपके सेंटर में आपके हैं। हमारा एक ऑफिस है टेक्सटाइल कैंप में, ठीक है, वहाँ साहब मोहर्रम साहब होते हैं वहाँ पर। और जो है एक ऑफिस हमारा अक्सराई में है, वहाँ पर बिलाल यकीन होते हैं जो हमारे माली मुशावर हैं। और यहाँ पर जमाल जो ये अकाउंटेंसी की सर्विस देते हैं इनकी दूसरी कंपनी जो है और उसमें यह है कि अराउंड 700 कंपनीज को ये ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं। तो सबसे बेस्ट जो पॉइंट था वो अख्तर जाफरी साहब का और मलिक साहब का दरमियान में ये था कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जब बिजनेस के लिए आते हैं और जॉइंट वेंचर के लिए आते हैं, ट्रेडिंग के लिए आते हैं, यहाँ उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन बेस पे जब मलिक साहब के साथ अटैचमेंट हुई तो उन्होंने कहा कि हम इतनी कॉम्पिटिव क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, उनकी अकाउंटेंसी मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये जॉइंट वेंचर करवाते थे यहाँ पे ट्रेडिंग हब है जिसमें ऑलरेडी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं जो कंपनी, उनको जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो आते हैं उनको ये सर्विस रिक्वायर्ड होती हैं। तो उस बेस पे अख्तर साहब भी जो बहुत उनको अच्छा लगा और मलिक साहब के पास भी ऑलरेडी 700 कंपनी जो उनको मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, इतने तादाद में अगर कंपनी जो है ना वो कोई हैंडल कर रहा है तो वो एक ट्रस्ट होता है, अगर सर्विस अच्छी दे रहा होता है तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान से बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं जॉब के लिए आते हैं और बहुत सारे मैटर्स के लिए आते हैं तो उनको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मलिक साहब जो यहाँ पे बड़ी अच्छी सर्विस और क्विक सर्विस जिसमें एक कानून को भी जानते हैं, इदारों को जानते हैं, पाकिस्तानी काउंसिलेट में अटेस्टेशन या नोटरी में भी इनकी बहुत अच्छी अटैचमेंट है तो लीगल पे तो और बहुत क्विकली ये ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं। ये यहाँ पे इस दौर में और कम बहुत कम लोग हैं जो कि सर्विस दे रहे हैं। तो इसमें लैंग्वेज तो भी ये तुर्किश भी जानते हैं और अख्तर जाफरी साहब है ये पाकिस्तान निजात तुर्किश नेशनल है माशाल्लाह। जो मलिक साहब है ये भी सेम है, ये 23 ईयर से यहाँ पे रह रहे हैं तो इनको हर डिपार्टमेंट में तकरीबन इनकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो जो भी ट्रेडर आते हैं जो भी जिस लेवल पे आते हैं उनको हर डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो ये उनको हर करें ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हम जो पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस बना है उसको भी हम तुर्किश लाइसेंस में चेंज कर सकते हैं और तुर्किश लाइसेंस जो है नए सिरे से अप्लाई कर सकते हैं उसके दोनों के ब्रदर रास्ते में हम बताएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान तुर्की तकरीबन 80 कंट्रीज जो है ना उनकी उन कंट्रीज के ड्राइविंग लाइसेंस को ना अपने तुर्किश में कन्वर्ट करता है विदाउट एनी क्लासेशन। तो ये मलिक सज्जाद साहब इस्तांबुल इंफॉर्मेशन वाले प्रॉपर एमओयू साइन कर रहे हैं, उसके बाद क्या है कि अख्तर जाफरी साहब हैं ये जॉइंट वेंचर पे साइन कर रहे हैं। अल्लाह ताला की दाद दिए इन सबको, ये है कि ले जी हमारा मुआयदा हो चुका है स्टार इंस्टीट्यूट के साथ। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो हमारे हमें कॉल्स करते हैं और पूछते हैं कि पाकिस्तान में हमें को ऐसी कंपनी दें या ऐसा कोई इदारा दें जो हमें पाकिस्तान में रहनुमाई करे स्टडी के लिए तुर्की में या फिर ग्रेजुएशन करने के लिए या PhD करने के लिए किसी मामलात में, तो हम आज के बाद पाकिस्तान में स्टार इंस्टीट्यूट के पास भेजेंगे आपको और आप वहां पर आपके जो मामलात है वो आसानी से हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमें जल्द दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।